दोस्तों, आर्मीज बीटीएस के लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस रहती है कि क्या बीटीएस की कोई गर्लफ्रेंड है, क्या बीटीएस किसी को डेट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। साथ ही कुछ आर्मीज की तो मानो दिल की धड़कन ही रुक जाती है जब बीटीएस के लव लाइफ को लेकर कोई बात करता है। तो घबराइए मत, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं तो काफी इंटरेस्टिंग बात करने वाली हूँ जो की एक इंटरव्यू में बीटीएस मेंबर से पूछी गई थी। तो फ्रेंड्स, बीटीएस एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आप सभी मेंबर को एक ही लड़की से प्यार हो जाए तो आप सब क्या करेंगे। तो सारे ही मेंबर्स ने अपनी अपनी थॉट्स बताई कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो जाता है तो सब क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिस्टर आरएम ने थोड़ा सोचने के बाद इसका जवाब दिया कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो वो बिल्कुल भी गिव अप करने वाले नहीं हैं। साथ ही आरएम ने कहा कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आरएम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो उस लड़की को जाने न दे, ताकि इन फ्यूचर उन्हें कोई भी रिग्रेट ना रहे। तो आरएम तो गिव अप करने वाले नहीं हैं। अब जानते हैं मिनी योंगी यानी हमारे प्यारे से शुगा ने क्या कहा। तो फ्रेंड, शुगा ने बहुत ही अच्छी बात कही। शुगा ने कहा कि वो उस लड़की को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे कि आपको भी मुझसे प्यार करनी ही होगी। फ्रेंड, शुगा ने कहा कि वो जो भी डिसीजन लेगी, मैं उनकी डिसीजन की पूरी रिस्पेक्ट करूंगा। अब जानते हैं जे होप ने क्या कहा था। तो फ्रेंड्स, जे होप ने कहा कि बात अगर लव की आती है तो इस टॉपिक में जे होप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। फ्रेंड्स, जे होप ने कहा कि वो दोनों तरफ से सिचुएशन को समझेंगे, उसके बाद अगर मामला बात करके सुलझ जाता है तो मामले को बात करके सुलझा लेंगे। तो वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो जे होप मामले को कुछ इस तरह से हैंडल करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन ने डायरेक्ट कहा कि वो गिव अप कर देंगे, क्योंकि सारे ही मेंबर्स जिन के फ्रेंड हैं और एक लड़की के लिए जिन कभी अपने दोस्तों से नहीं लड़ने वाले। जिन ने साफ कहा कि उनके लिए फ्रेंडशिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है लव से। तो फ्रेंड्स, जिन ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फ्रेंडशिप में भी तो लव होती ही है, और एक प्यार के लिए दूसरे प्यार से लड़ना ये तो सही नहीं है। तो अब जानते हैं जिमिन ने क्या कहा था। तो फ्रेंड्स, जिमिन ने कहा कि वो किसी और को ढूंढ लेंगे। इसके बाद जिमिन ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। जिमिन ने कहा कि एक पत्थर से दो बर्ड्स को मारने से अच्छा है कि वो किसी और को ढूंढ ले और बदले में अपनी फ्रेंडशिप को बचा ले। अब जानते हैं वी ने क्या कहा था। तो वी ने कहा था कि वो सबसे पहले तो सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद सही मौके का इंतजार करेंगे। इसके बाद वी ने कहा कि वो जिससे भी प्यार करते हैं उसे अपना सब कुछ देने को तैयार है, तो उसके लिए वो सही मौके का वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि जंगकुक ने क्या कहा। तो जंगकुक ने कहा कि वो भी गिव अप करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें फाइट वाइट नहीं करनी अपने दोस्तों से, तो वो भी गिव अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे ही बीटीएस मेंबर्स ने उस सवाल का ये जवाब दिया था, और अगर देखा जाए तो सारे ही जवाब सेटिस्फाइड है। सारे बीटीएस मेंबर्स ने अपनी तरफ से बेस्ट जवाब दिया है। हालांकि इस सवाल का जवाब देते हुए सारे बीटीएस मेंबर बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे थे, और खास करके जंगकुक, उनकी तो हंसी रुक ही नहीं रही थी। पर ये तो सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, पर फिर भी बीटीएस ने अपने थॉट्स को बता दिया। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस मेंबर की बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।